भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में सियासत धीरे धीरे पक रही है, काय के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और छतरपुर जिला में हम लंबे समय से बुंदेली यात्रा के जरिए हैं और इतने एक चर्चित शख्सियत हैं सिद्धार्थ सिंह बुंदेला और जे फिलहाल राजनगर विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। भैया राम राम। राम राम भैया। दावेदारी लंबे समय से चल रही है, आपको परिवार बहुत लंबे समय से बुंदेली पे की संस्कृति पे काम करत रहा है मुन्ना राजा, वही के बाद राजनीतिक तौर पे भी बहुत लंबे समय से पकड़ है, अब नई पीढ़ी आगे आ रही। जी निश्चित रूप से अगली पीढ़ी आगे आ रही है और उनकी वजह भी बहुत है। एक तो कहा है कि इतने पे इतने समय से पिताजी लोगन ने सेवा करी है लोगन की, तो कहूँ ना कहूँ लोगन को जुड़ाव है। तो आज की तारीख में हमारे घर से तो जो हालत है कि अगर हम कह भी दें कि राजनीति छोड़ दे भैया, राजनीति से संन्यास ले लो, सो कहूँ मानत नहीं है, अपने आप आई जात कहूँ ना कहूँ। तो उसी श्रृंखला में हम भी इसी क्षेत्र में अपना काम जारी रखे हुए हैं। अब तो 15 साल के ऊपर होगा वह, अब चूँकि चुनावी वर्ष है तो हम लोगों ने अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं और खासा प्रभावित क्षेत्र है आज की तारीख में। जो कैसे हैं भाजपा के बहुत ही बड़ी हस्तियतें बैठी हैं सांसद के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और निश्चित रूप से बहुत दबाव है, हस्तक्षेप बहुत है इतने पे राजनगर क्षेत्र में। तो यही वजह से सक्रियता बढ़ाए भाई हैं और लोगों के बीच में आबो जाबो बनाए रहे हैं। लेकिन जितने से आप दावेदारी कर रहे हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र से, उतने कांग्रेस पार्टी के सिटिंग MLA हैं, लंबे समय से विधायक हैं, तो फिर कंपटीशन ज़्यादा है कि मतलब, लेकिन अपनी दावेदारी अपन फिर कैसे बनाए? इस बार कहा है कमलनाथ जी ने निर्देश दो है सबका कि अपने अपने क्षेत्र में जाओ, लोगन के बीच में जाओ, काम करो, जहाँ विरोध बने होते विरोध करो और सर्वे के आधार पर टिकटन को वितरण होने हैं। क्योंकि हमारी सीट 500 साढ़े 500 से ही पिछली बार जीती थी पार्टी, सो कहूँ ना कहूँ दबाव तो है पार्टी पे। तो ऐसी स्थिति में ऊपर जो आला कमान है वो जो देख रही है कि कौन जीते की स्थिति में है, कौन ज़्यादा प्रभावी प्रत्याशी के रूप में उभर के आ सका था, तो सर्वे के लाने हम उनका बोलोगा हो तो कमलनाथ जी ने सभी जगह कही है। आपने देखे हो अभी जो नगरी निकाय के जो चुनाव आए उनमें कांग्रेस का इतने बढ़िया परिणाम आओ है और उस सबको श्रेय आदरणीय कमलनाथ जी ने उस सर्वे का ही दो है कि उस सर्वे के हिसाब से प्रत्याशी इनका बुलाओगा और टिकटें दही गई। तो हमारे वही चीज़ का लेके पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं साहब। ऊपर से सर्वे हुई है उनमें जैसो जो हुई है वो देखो जे। लेकिन विधायक जो अभी हैं नाती राजा, उनकी पत्नी जो है लोकसभा भी लड़ी थी, बुरी हार भई थी, लंबी हार भई थी, तो उनको भी नकारात्मक असर का छुआ होगा? नकारात्मक असर तो भाई साहब ऐसा है कि कहूँ ना कहूँ राजनगर में राजनीति थोड़ी सी शिथिल रही है पिछले कछु समय से। लेकिन जैसे हमने बताओ कि अभी हस्तक्षेप बढ़ गए होते पे, तो हस्तक्षेप जो है वो आज की तारीख में होते पे शिथिलता काम ना है। आज होते जिस तरीके से दबाव है लोगन पे, जनप्रतिनिधियन पे दबाव है, अधिकारियन पे जो दबाव बनाए भए हैं, तो उनमें शिथिलता काम ना है। उनमें कहूँ ना कहूँ घर से निकल के जाके सड़कन पे अपन का आंदोलन करने आए हैं, लड़ाई लड़ने आए हैं और हमारे वो काम कर रहे हैं। अब उसे अच्छो हुई है बरो हुई है जो तो आगे समय बता है, जनता बता है। लेकिन हमाओ मानव जो है कि जो पिछलो चुनाव है वो तो गौ ऊँखा अपन उनमें ना पड़े, आगे की जो है परिस्थितियाँ अपन ऊँखा देख के काम कर रहे हो। तो आगे की परिस्थिति में जो है कि जो आदमी दबो झुको भाव है हम ऊँखा घर से निकारवे को काम कर रहे हैं तय पे। अब उसमें कहा है कि अब पार्टी से भले ही हमारे विधायक जी हैं वहाँ पे और जनता ने उन्हें जिताओ भी है लगातार 2-3 बार, लेकिन अब बात वही है कि हर 5 साल में समय पलटा था, हो सकता है इस बार फिर से जिता दे, जितावे के मूड में हो सकता है ना हो। तो जो सर्वे यही हिसाब से चल रहा है, यही सब जनता जनमानस की अंदर की चीज़न का निकारवे के लाने, मन की बातन का निकारवे के लाने, सो हम उन्हें तो बस उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छो बुरो ऊपर नहीं पड़ रहे, हम अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहे हैं। पिछले की ने बुराओ करो या अच्छो करो अपन ऊँ में नहीं पड़े, अपन का तो जो देखने के भैया अपन जो कर रहे हैं वो भलो होत रहा है, उसे को बुरो ना हो, बस इतने पे ध्यान केंद्रित है। लेकिन क्षेत्र जी हिसाब से आप जो है इतने छतरपुर के ई कोने से अब ऊ कोने पे हैं, तो उनमें एक्टिविटी जो पिछले कई समय से वो कैसे कवर हो पाए? हो जात का है कि इस क्षेत्र से जुड़ाव हमेशा रहो है। पिताजी जब विधायक रहे छतरपुर से रहे तो उस क्षेत्र में भले ही कभी वोट मांगे की जरूरत नहीं पड़ी, अपन खजुराहो से उत्तरफ खा देखो नदी पार लवकुश नगर में भी, लेकिन उतने पे हमेशा लोगों से जुड़ाव रहो है। क्योंकि
अब जो प्रभावशाली नेता होते हैं तो उनके पास हर जगह से लोग आते हैं, कोई काम लेके कोई समस्या लेके आते हैं, तो कहूँ ना कहूँ से होता है जुड़ाव जुड़ाव बनो रहो। राजनगर जनपद जो है वो भी कांग्रेस हमेशा जीतत ही रही है, भले ही होते सीट ना आती, सीट आरक्षित रही आयु को और विधायक बनत रहे, लेकिन होते हमेशा अपनों हस्तक्षेप रहो है। अपन लोगन का इतनी नौकरियां भी लगी वो टाइम कांग्रेस के टाइम पे, वो क्षेत्र की बहुत लगी, बहुत इनके काम कराए, तो वो तरीका से जुड़ाव तो होते बनो है। हर गांव में अपनों के पास लोग हैं, हमाओ अच्छों को चाहत, हमाओ बुरो को चाहत, हर तरीका के लोग होते हैं। सो हर जगह टीमें बनी है, तो हमारे पास जो हमारा सौभाग्य है कि हमें टीम इतनी अच्छी मिली है और प्लस नई बनत जा रही हैं, तो कवर तो कर लेते हैं साहब, टाइम देने आउट है लेकिन कवर तो सब हो जाता है। वो कवर नहीं कर पाओ तो एक एक बहाना ही है, बाकी कवर सब हो जाते हैं, चाहे लवकुश नगर हो चाहे बसारी हो, सब एक ही चीज़ है। जब जहाँ को मौका आता है, प्रोग्राम बनना था, जावे की ज़रूरत पड़ता है, तो अपन पहुँचते ही हैं। विपक्ष के लिहाज से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत झोंक रखी है राजनगर में, काय के होते बी डी शर्मा जी के खासम खास अरविंद पटेल आप मैदान में हैं, कांग्रेसियन से उनकी सीधी आमने सामने की हो जाते हैं, और मतलब एक तरीके से पूरी इज्जत जो है दांव पे लगा रखी है राजनगर में, तो ऐसे में उतने कैसे कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर का है कि इज्जत दांव पे लगा देवे से जो तो गारंटी होनी जात के आपकी नई अपार लगी जे है। अब भले ही बीडी भाई साहब ने वहाँ पे इतनों कोखा क्षमता दे रखी हो आप जिनकी बात कर रहे, लेकिन का होत कि जब अचानक से बिना ज़्यादा कछु करे वो एकदम से जब मिल जाते सो आदमी थोड़ो बहरा जात है, सो कहूँ ना कहूँ ऊ को असर देख पे मिल रहा है। हमारे ते पे जनपद पंचायत राजनगर में आज इतने दबाव में हैं अधिकारी, सरपंच इतने दबाव में हैं, बेचारे भी लुक लुक के फिरत हैं, हम उनसे मिलवे भी आने आउट से एकदम पे दब दब के लुक लुक के आते, उन्हें लगत कि कहूँ पेमेंट ना रुकवा दें, दलाली को अड्डा बनी भई है जनपद पंचायत राजनगर। हमारे पिताजी हनखा सालन लग गए थे अपनों खुद को घर बनवावे में, जब बसारी छोड़ के छतरपुर आए विधायक बन गए तब भी वे किराए के घर में रह आए सालन, इतने पे जो दशा है कि अब विधायक तो बने नहीं है लेकिन अच्छे करोड़न की कोठियां तैयार हो गई। सो कहूँ ना कहूँ जो जो भ्रम है दिमाग में इका जनता ही दूर कर सकता, आप बोलो हम बोलो सामने वाले घर लगे अरे ये तो विरोधियां हैं इनको काम आए, लेकिन जो जो भ्रम है जो जनता ही दूर करे ऐसे बोले से नहीं जात। हम तो बस जो है हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं हम उनका रखत हैं, और वो जो है कि आज की तारीख में राजनगर विधानसभा में जितनी ज़्यादा दलाली हो रही है उसने ज़्यादा हमें नहीं लगा था आसपास के चार जिलों में कहूँ हो रही हुई है, जो दशा हो गई है होते पे राजनीतिक हस्तक्षेप की। अब बीडी भाई साहब कहीं को पतो है कि नहीं हमें तो नहीं आइडिया, लेकिन जो आप देख लो जुआ खिलावे वाले बालू को काम लग गए चल रहा है, और दारू दो नंबर की बटर बिक रही है, दलाली चल रही है, जिस जी पंचायत में कमीशन पहुंच जात है जी पंचायत को सरपंच कमीशन पहुंचा दे है होते के पेमेंट आ जाते हैं, नहीं तो भैया हरें लेके बैठे हैं दो दो करोड़ रुपया आ जाते हैं, 86 पंचायतें हैं उस जनपद में, 2 करोड़ रुपया है, 5 पंचायतों में बढ़ जाए 1.5 करोड़, और बाकी 81 का कह रहे हैं 50 लाख बांट लो आपस में, टुकड़ा फेंके जा रहे हैं दूसरे का जहाँ से कमीशन नहीं आ रही, तो ई तरीका को काम है। तो ई में हमें तो नहीं लगा था कि इनका हरावे में कोई ज़्यादा परेशानियाँ हैं, कैसे कर्म ऐसे चल रहे हैं, और वो कर्म बुरे होवे के बाद उन्हें यकीन भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हें भरोसा नहीं है कि जो वे गलत कर रहे हैं, कोई कात भी है तो उन्हें लगा जो तो विरोध कर रहा हो। तो पहले तो हमारे ई हिसाब से भी कात रहे कि भैया चलो समझदारी यही में है कि आपका इतनी सत्ता इतनी पावर मिली है, इतना प्रभाव मिलो है, तो कम से कम उनको कछु सदुपयोग कर लो। अब कात फिरत के फलानी जगह पे जे हते इनने ऐसे मास्टर बना दे वैसे बना दे गलत लोगन की नियुक्ति वही ऐसी भी बातें कराते हैं, तो हम तो वही है उनसे जो कह रहे हैं कि दद्दा तुम गलत नहीं तो तुम सही लगवा दो चार ठैया, जब इतनी चल रही तुम्हारी तुम सही लगवा दो चार ठैया, तो हम जाने पीछे 50 साल जब अपन हो रहे मतलब तन तन से बच्चा हते तब की बातें उठा रहे, आज की बात करो आज का हो रहा हो क्षेत्र में, आज अपनी जीवन आगे को इतनों सारो धरो है, क्षेत्र में नए नए युवा हैं उनकी कामकाज के लाने का कर हो, उनके गांव में विकास के लाने का कर हो, आप आदमन का पेंशन नहीं मिल रही उको का कर हो, गरीबी रेखा में नाम नहीं जुड़ रहे आदमन के उको का कर हो, आप जो संबल योजना चिल्लात हो, संबल योजना को पैसा सालन में ही आ पाओ, बस एक पब्लिसिटी बन के रह गई है संबल योजना, मुख्यमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास है तो जो पुरानी स्कीम इंदिरा आवास करके होकर आती जब हम जनपद अध्यक्ष थे, नाम बदल लो थोड़ो पैसा जोड़ दो ऊखा प्रधानमंत्री आवास कह दो, लेकिन कहाँ पे 20,000 से कम में कहूँ को आवास पास हो रहा हो अगर सो बता दें, और वो 20,000 को जो हिस्सा हो तो सो नेताजी हरण की जेब में कितो जा रहा हो जो भी हम उनका पतो है, अब एक एक रुपया को हिसाब तो नहीं है लेकिन इतो तो अंदाजा है कहाँ जा रहा हो, आदमी बस दबो भाव है ई चक्कर में कहूँ जी केस ना बिदा दें कहूँ फलाना ना कर दें,
इत्ते के चक्कर में दबो है आदमी, और उस चीज उस दबी हुई जो आदमी जो दबो है की वजह से ये गलत फहमियाँ पैदा हो रही लोगों के दिमाग में, कह रहे थे तो भाजपा बहुत मजबूत है, भाजपा बहुत मजबूत है, भाजपा के बहुत निष्ठावान लोग हैं राजनगर विधानसभा में। लेकिन उन निष्ठावान लोगों की का दशा है आज, जो देखो कांग्रेस से ज़्यादा तो भाजपा ही शिकायत कर रहे हैं राजनगर विधानसभा में जो चल रहा है उनकी, तो यही से आप हिसाब लगा सका। तो हम उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम तो अपनों काम कर रहे हैं, जनता तक जो बात पहुँचाना है वो पहुँचा रहे हैं, और जहाँ जात हैं तो अधिकतर लोगों का पतो है, हरा से कान में आत कह देते हाउ राजा पतो है हम अपना टेम काट रहे, तो बस टेम काट रहे। नई राजनीति की आप बात कर रहे, एक आखिरी सवाल के आप के पिताजी लंबे समय तक थे राजनीति में सक्रिय थे, अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन लंबो समय होगा जब पदों से थोड़े दूर हैं, तो अब नए जमाने की नई सियासत में सिद्धार्थ के पास नव का है? हमारे पास नव जो है जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, हमारे बाहर पड़े तो कहूँ ना कहूँ थोड़ा नज़रिया अलग है हमारा, हम जात पात में नहीं पड़त। आज राजनगर में जो जात पात फैला है, राजनगर छोड़ो पूरे ज़िले में जो जात पात फैला हुआ है, उसकी उपज ये पिछले 3-4 ही सालों में हुई है, इतनी ज़्यादा जात पात कभी नहीं देखा इस ज़िले ने। तो पहली चीज़ जो हम गारंटी दे के सबका कहते हैं कि भाई साहब जात पात हम ना होन दे भी, अपने जहाँ तक हमारे हाथ में जितो हुई है हम जात पात तो ना होन दे भी, और जात पात का जितनों जड़ से हटा सकत है वो कर भी। भ्रष्टाचार हमारे पिताजी हरे रहे आए इतने समय सत्ता में हते सब कुछ हुआ, तो भ्रष्टाचार को आरोप आज तक को नहीं लगा पाओ। अब इतने जो है कि इतने 4 साल भय नहीं है, आदमन ने अभी से लिस्ट बना के दे देंगे इतने करोड़न के पैसा खा ले लोगन ने, तो ऊ तरीका की को लांछन हम कबू अपने ऊपर लगन न दे भी। ये दो चीज़ें हमारे दिमाग में बड़ी स्पष्ट हैं, कैसे यहाँ की राजनीति में जो सबसे दो बुरी चीज़ें हमने देखी वे जो ही थी भ्रष्टाचार और जातवाद। इन दो चीज़ों को लेके हर किसी को लगता कि हम नेता बन जाएंगे और एक जात को पकड़ के हम विधायक बन जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें जो लोगों के दिमाग में है इसका निकाल वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारे इतने रहे हैं आगे राजनीति कर रहे हैं तो हमारे दो सबसे बड़े मैसेज जो ही हुई हैं कि राजनीति जो है वो सेवा को जरिया है, कमाई को जरिया नहीं है, और जो जात पात है राजनीति के माध्यम से जात पात का अपन का मिटाने हैं और उनका बढ़ाने नहीं है, दो चीज़ें जो हमारी मुख्य रहे। तो सिद्धार्थ सिंह को क्या वो है कि भ्रष्टाचार और जातिवाद इन दो बड़े मुद्दों पे सियासत को भी बदल भी आए हैं, और उनको क्या वो है कि इन दो मुद्दों को दूर करने राजनगर क्षेत्र की जनता से और अपनी नई सोच के जरिए भी लोगों के दिलों में पहुंचने में कामयाब हुई हैं, ऐसा उनको पूरा भरोसा है। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी बुंदेली बौछार के लिए। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाएं खास होटल रॉयल पैलेस यहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी को बनाएं यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।